आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश के मुख्य समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, आज मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि गौरव चंदेल की हत्या में वो आरोपी शामिल था। क्या है पूरा प्रकरण और किस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया? 6 जनवरी को नोएडा के थाना फेज 3 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें गौरव चंदेल जो कि 3M कंपनी के मैनेजर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी गाड़ी लूट ली गई थी, उसमें लैपटॉप और उनका मोबाइल फ़ोन भी था। उस दिन के बाद से कई सारी टीम्स इस घटना के पीछे लगी हुई थी, जिसमें हापुड़ की टीम भी लगी हुई थी। हम लोग नोएडा टीम से संपर्क में भी थे। फिर आज हम लोगों को मुखबिर की सूचना मिली कि जो अपराधी जो उस घटना में संलिप्त है, जिसका नाम उमेश है, वो इस रास्ते से संभावित हमारे क्षेत्र में, धराना क्षेत्र में वो संभावित आने की संभावना है उसकी। उस पर पुलिस ने अपनी चेकिंग लगाई थी। मोटरसाइकिल से वो अपने एक औरत के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस ने उसको चैलेंज किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको वहाँ पे गिरफ्तार करके लाया गया। उसे वो जो महिला है वो आशु, जो कि मिर्ची गैंग का लीडर है और इस हत्या में सरगना है, ये उस आशु की वाइफ है। तो आशु की वाइफ को और इस व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रिकवरी के लिए जा रहे थे हम लोग। रिकवरी के दौरान उसने एक दरोगा की अपनी पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश की। उसमें पुलिस ने जवाबी फायर किया है। उसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उस तत्काल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अभी उसकी हालत ठीक है। उसे किसी हायर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर रहे हैं। तो बरामदगी क्या क्या की गई है इसमें? बरामदगी जो हत्या में आरोपित हत्या में जो यूज़ किया गया पिस्टल है, वो पिस्टल बरामद किया गया है। इसमें जो राहुल चंदेल जी की कार थी, उस कार की चाबी बरामद हुई है। ये पूरी बरामदगी लैपटॉप और मोबाइल के लिए भी की जा रही थी, लेकिन लैपटॉप मोबाइल हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी तक बरामद नहीं कर पाए। सर, कारण का पता चल पाया, किस कारण उनकी हत्या की गई थी? देखिए, ये मिर्ची गैंग एक प्रोफेशनल लूट करने वाला गैंग है। ये कई सालों से एक्टिव है। इसके बहुत सारे मेम्बर्स पकड़े जा चुके हैं, जिसमें सबसे एक्टिव सरगना जो अभी हमारे यहाँ है वो आशु है, जो मिर्ची गैंग का लीडर कहा जाता है। फिलहाल इनका मोडस ऑपरेंडी हमेशा से ये रहा है कि ये किसी भी व्यक्ति की पहले कार लूटते हैं और उस कार के जरिए वो अलग अलग लोगों को लूट करते हैं। इस पूरे प्रकरण में उसको इस व्यक्ति से लूटने ज़्यादा उन्हें इस कार की आवश्यकता थी। उस कार को लूटने के लिए उन्होंने ये पूरी घटना घटित की है। गौरव चंदेल उस वक्त शायद फ़ोन से तुरंत हट करके टॉयलेट कर रहे थे रोड के किनारे, जहाँ पे इन दोनों लोगों ने और इनके साथियों ने मिलकर के अटैक किया है इनके ऊपर, जहाँ पर उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की है, जहाँ फिर आशु और इन दोनों लोगों ने फायर किया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो लोग उस कार को लेके चले गए। कार को ले जाकर उन्होंने डासना के पुल के नीचे लगा दिया। वो जनरली ऐसा ही करते हैं, कोई घटना करने से पहले कार को कहीं दूसरे क्षेत्र में छोड़ देते हैं, उसे कई दिनों के बाद फिर नंबर प्लेट्स चेंज करके वो लोग दूसरी घटना करने की चेष्टा करते हैं और कोशिश करते हैं। इसमें भी यही हुआ, पहले कार को डासना छोड़ा गया, फिर 3 दिनों के बाद उस कार की लोकेशन फिर चेंज की गई, उसे डासना से हटा के फिर मसूरी चेंज शिफ्ट किया गया। मसूरी में जाके फिर उन लोगों ने उसका नंबर प्लेट चेंज किया है। नंबर प्लेट चेंज करने के बाद उन्होंने 14 तारीख को, 6 तारीख की पहली घटना है, 14 तारीख को उन्होंने गाजियाबाद में दूसरी लूट की। उन्होंने एक टियागो गाड़ी लूटी, कोई अग्रवाल बंधु थे उसमें, अग्रवाल जी को उन्होंने लूटा और उन्हें बंधक बना करके उस गाड़ी में वो घुमाते रहे कई देर तक, लगभग 2 घंटे तक। और इस दौरान उन्होंने उनके ATM से पैसे निकलवाने की कोशिश की। पैसे बहुत कम थे फॉर्चुनेटली उनके पास, तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये जितने भी थे उनके, 2-3 हज़ार रुपये शायद, तो ये वो ले पाए। उसके बाद फिर उन लोगों ने उन्हें ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर उस कार को लेकर के भी वहीं लगा दी जहां पहली गाड़ी लगी हुई थी, किया जो राहुल चंदेल जी की थी।